उन्होंने बोला कि घर में घुस के तेरा गला काट देंगे। सोचो, सोचो कितनी दहशत वाली बात है ये। सोचो, अब तुम ये चाहते हो कि मैं पनौड़ी अपना गला कटवा लूं तुम्हारी इस बकचोदियों के चक्कर में। अच्छा, बकचोदी से याद आया, कल मेरी आंटी आई थी मेरे घर पे मेरे हेयर काटने के लिए। उन्होंने कल ऐसा कैची लेके आई थी वो साथ में और बोला मुझे कि आज मैं तेरे हेयर काट के ही रहूंगी। बहुत मेहनत लगी मुझे उनको समझाने बुझाने में, तब जाके ये मेरे इतने घुंघराले जो हेयर है वो बचे हैं। वरना कहीं उन्होंने इधर उधर ऐसे 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 इधर किधर लगा दी होती कैंची तो मैं तो बर्बाद हो जाता ना। क्या करता मैं बताओ यार। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं मेरे तरह, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं भाई, उन लोगों को बहुत ही सोच समझ के सारे कदम उठाने पड़ते हैं। भाई हमारी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचती है यार। जब बच्चा स्कूल में जाता है ना तो वो स्कूल टीचर को भी बोलता है कि आज पनौड़ी लाइव पे नहीं आया था इसलिए मेरा मूड खराब है टीचर। तो मेरे मूड खराब होने के कारण मैंने होमवर्क नहीं किया है, समझते हो। तो हमारी आवाज देश के कोने कोने में पहुंचती है तो सारी चीजें हमें मैनेज करके बहुत सारी चीजों को संभाल के यहां पे ना जाने कितने लोग अपनी फेक आईडी बना के बैठे हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बॉलीवुड से भी है कुछ लोग। सोचो, बहुत बड़ी मुझे चांस मिला था कंट्रोवर्सी करने का, नहीं की मैंने, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार, मतलब के लंड सलामत तो कॉन्डम हजार। भाई लंड ही नहीं रहेगा तो तुम लोग कॉन्डम्स का क्या करोगे बताओ। भाई मेरा इन लोगों ने सामान बामान काट लिया और कल को सामान कटवाने के बाद जब मैं यहां पे खड़ा रहूंगा और किसी ने आके ऐसा बोला कि बड़ी गिमी या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सोचो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। जिसके पास सामान नहीं है वो बंदा कॉन्डम्स बेचता हुआ कैसा, उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये छोटे बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी, बहन के लौड़ो तुम्हें क्या पता, समझे। तो एक मिनट, तो भाई जनता की इस अदालत में तुम लोग बोलो मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब भाई नीचे तुम लोग कमेंट करो प्लीज। मेरे दुख भरी दास्तान, मैं इसलिए बहुत लेट लाइव पे आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि स्टैंडर्ड टाइम पे आके 2-3-4 हजार लोग ये मेरी बात सुने और बात आग की तरह फैल जाए, इसीलिए मैं आज इस टाइम पे लाइव पे आया। मैंने सोचा 200-300-150 लोग होंगे और मैं ये बात करके चला जाऊंगा। तो अब तुम लोग बोलो, अब जैसे ही ये जैनिस को मैं ऐड करूंगा देखो ये कैसी हवाबाजी करेगा, पक्का देखना। आ जा भाई जैनिस, ये भी बहुत दिन से भरा पड़ा हुआ है। क्या हुआ पन्नोनी भैया, सुना नहीं तूने क्या हुआ? मैं तो अभी अभी नीचे आया, मेरे पे लाइव शेयर पे शेयर शेयर पे शेयर शेयर पे शेयर हुई। तो अच्छा भाई, बहुत बड़ी बात हो गई है इसीलिए मैं 10 दिन से लाइव पे नहीं आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ?
बहुत सारी जगह से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं, एंड वो भी रेगुलर नंबर पे, नॉट के व्हाट्सएप पे। और बहुत ही गंदी तरह से मुझे डराया जा रहा है। मेरा सब कुछ उन लोगों के पास है, उन लोगों ने मुझे जो जो सारी चीजें भेजी वो सारे एड्रेस और सारी चीजें 100% परफेक्ट है। एंड उन लोगों ने ये बोला, उन लोगों ने ये बोला कि हम लाइव पे आने वाले हवाबाज लोग नहीं है, काम हो जाएगा पनौड़ी और तुझे पता भी नहीं चलेगा, तो लाइव पे आना बंद कर दे, ये तेरे लिए लास्ट एंड आखिरी वार्निंग है। तो फिर आपने क्या डिसाइड? मैंने कर तो लिया है, मैं कहां लाइव पे आ रहा हूं। अरे डिसाइड क्या किया, मैं लाइव पे आ ही कहां रहा हूं, ये लोगों ने मेरा जीना आराम कर दिया था, इसलिए मुझे मजबूरी में आके ये सारी चीजें खोलनी पड़ी। तो पनौड़ी भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे चट्टे सुकड़ गए हैं, बता। वो तुम्हारी बात सही है, पर आपको तो पता है ना आप कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में रहते हो। अरे उन्होंने ये बोला कि तुझे 911 करने का मौका भी नहीं फरमाया जाएगा, सोच। पर वो लोग को पता नहीं है ना कि तुम्हारे को 911 की जरूर नहीं है, वो लोग उसके पर तुम्हारे पार्किंग लॉट से ही भागेगा। तो भाई देखो, बात ये है, मैंने जैसे बोला कि यार देखो, लंड सलामत तो कांडम सजा, यार देखो मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, मैं शादी करना चाहता हूँ। यार मेरी माँ का एक ड्रीम है कि मेरे लौंडे का एक छोटा लौंडा हो, रातों फिर लौंडिया हो। यार देखो, मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता हूँ। तुम साले हरामी लोग हो, तुम्हें तो क्या, तुम तो साले बस स्टोरी लगा दोगे। रेस्ट एंड पीस पनौनी भैया, पनौनी भैया वी मिस यू। दो तीन दिन तक तुम याद करोगे, ठीक है, उसके बाद कौन पनौनी कौन क्या भाई, जाएगा तो मैं ना भाई। तुम मुझे ये बात बताओ, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा स्टार सिद्धू मूसेवाला के साथ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, राइट भाई, बंदे को लोगों ने 15-20 दिन तक, एक महीने तक टैटू बनवाए, ये किया वो किया, स्टोरिया लगाए, भाई आज उसको कोई याद भी कर रहा है? नहीं कर रहा है। सही बात है, वो तो बात सही है आपकी, ये बात के साथ मैं सहमत हूँ, ये बात सही है आपकी। भाई देख, ये संसार का एक नियम है, पूरा संसार, पूरी सृष्टि, उगते हुए सूरज को लोग पूछते हैं, ठीक है भाई, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने बोला ना भाई, 4 दिन तक लोग याद करेंगे, उसके बाद बात खत्म। नहीं, सही 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 बात है आपकी पनौड़ी भाई। मैं तो बोलता हूँ देखो, ये सब है तो भाई मत आओ, बंद कर दो, कोई बात नहीं, अपने को कहाँ वो है। नहीं नहीं इसीलिए तो मैंने बंद कर दिया ना यार, मैं आता ही नहीं हूँ लाइव पे। आज तो इतने लोगों के डीएम आए, यार डीएम पढ़ के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। लोगों ने लिखा है कि यार हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये वो, यूट्यूब पे आपकी सारी पुरानी लाइव दिखती है, कोई नई लाइव आ नहीं रही है, राइट। तो मैंने सोचा यार एटलीस्ट जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझे अपने दिल में बिठाया ना चाहते हुए भी, क्योंकि लॉकडाउन में तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना मुझे देखने के अलावा, ना चाहते हुए भी तुम्हारे दिल के अंदर मैं घुसा, ना चाहते हुए भी तुम्हारी फीलिंग्स के साथ मैं खेला, ना चाहते हुए भी मैंने तुम लोगों को नंगा किया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे प्यार दिया। यार तुम लोग बहुत ही बड़े दिल वाले हो, लेकिन अब तुम्हारा वो घटिया दिल कमाने के लिए मैं अपने आप को मरवा तो नहीं सकता हूँ ना भाइयों बहनों। चल ये बात तो सही है भाई, आप क्या कोई भी हो तुम्हारी जगह पे नहीं करते है भाई। हाँ भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तुम लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ आज, रुक जाओ देख लो भाई, ठीक है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मतलब के कुछ नंबर की, एक मिनट।
ये लोगों को दिखाओ, मैंने तो देखा है ऑलरेडी, अभी तो 4 दिन पहले तो आपके पास आके गया मैं। एक नंबर तो मेरे दोस्त का है, ठीक है भाई, देख लो प्राइवेट नंबर, देख लो भाई अननोन नंबर, प्राइवेट नंबर देख लिया ना, देख लो भाई प्राइवेट अननोन प्राइवेट देख लिया ना, वो तो ये स्कैम लाइकली देखा भाई। भाई मैं झूठ मत बोलता हूँ, मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ, देख लो भाई। भाई ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं, और मुझे ऐसा लगता था जेनिस, पहले ऐसे भी बहुत सारे फोन आए मुझे, मैं डरा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे लोगों ने गालियां दी, धमकियां दी, ये दिया वो दिया, बट भाई इन लोगों ने चल मेरे स्टोर का एड्रेस तो वायरल है, मेरा नंबर भी वायरल है, मेरे दो तीन स्टोर के एड्रेस वायरल है, चल मेरे घर का एड्रेस भी मैं समझता हूँ कि बेंचो वायरल है, ठीक है भाई, ये बंदे ने मुझे मेरे माँ बाप के घर का एड्रेस, मेरे माँ बाप जो यहाँ से मेरे घर से 1/2 माइल 1 माइल दूर रहे, भाई उन लोगों का घर का एड्रेस उन्होंने मुझे भेजा, सोच। पनोली भाई, तुम्हारे तुम्हारे घर पे तो आप किसी को लेके नहीं गए हो, कुछ नहीं था, वो कहाँ से वायरल हुआ? अरे मैं वही तो सोच में पड़ गया हूँ भाई, इतने दिनों से सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई ना, क्योंकि वो दिन आपके पापा मम्मी मैं आया था तो मिलने के लिए इधर आए थे स्टोर पे, गोल्डी भाई को भी उधर ही मिले, मैं तो किसी को मिले ही नहीं है तो। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, ये सेम क्वेश्चन मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा है भाई, अब क्या करूं बता। क्या बोलो भाई, मेरे को तो एक सच्ची बात बोलूं, मेरे को तो भरोसा तुम्हारे गांव के लड़कों पे नहीं है भाई। तुम्हारे आपके गांव वाले के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, वो दिन भी मैंने आपको बोला था। नेजी ने किया है वायरल, सब नीचे असर दिख रहे हैं। हाँ जगा रेवा, हाँ जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी भाई। जगह भाई, तू तो वो मोटी टूर पर जी ना आई, वो जगह भाई एक बात सोचो कि किसी ने आपने एड्रेस किसी को दिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एड्रेस आए कहाँ से? $5. 3:45 to 2:43. तो मैसेज पे मैसेज आ रहा है कम लिख। देखो भैया, अब प्राइवेट नंबर से और वो आते हैं, उससे तो नंबर भी कहां से पकड़े कि किसका नंबर है क्या है।